हेलो एवरीबॉडी, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर लिए थे हम लोग। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या चल रहा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आया था डी क्यू या क्यू इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर क्यू क्या है? हीट सप्लाइड टू गैस। क्या है भाई? हीट सप्लाइड टू गैस। और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या होती है? क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या ले रखा है? जीरो। और ये डब्ल्यू क्या है? वर्क कौन करके देगा? हाँ, वर्क डन बाय गैस। समझ गए बात को? इंडिकेटर डायग्राम बताया गया था आपको, किसके किसके बीच में होता है इंडिकेटर डायग्राम? पी और वी के बीच में। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं आप, है ना? ये जैसे प्रेशर है, हालांकि आप जो है डायग्राम जो बनाएंगे वो पी वी टी वी पी टी कुछ भी बना सकते हो, है ना? उसमें बड़ा इशू नहीं है। तो अभी देखो, हीट सप्लाइड, तो जो आपने एनर्जी दी, हीट दी सिस्टम को, उसके दो जगह यूज़ करेगा वो। क्या दो जगह यूज़ करेगा? एक तो खुद अपने पास कुछ एनर्जी रख लेगा, जो आपने एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगा, और बाकी से आपको कुछ यूजफुल वर्क दे देगा करके, ठीक है? अब देखो, ये जो वर्क डन बाय गैस है, अभी वर्क हम लोग कैसे लिखते थे? एफ डॉट डी एस से, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ही तो लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था कि नहीं? अब यहाँ पर जो है वो गैस वर्क करेगी। तो अभी हमने कहा, मान लो कि कोई हमारे पास सिलेंडर है, ये मेरे को सिलेंडर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अरे आ जाओ, ये सिलेंडर है मान लीजिए, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ध्यान से समझना। अभी क्या है कि यहाँ पर कुछ गैस भरी हुई है, आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया? हीट देनी शुरू कर दी, यहाँ से हीट दे दी आपने, तो क्या होगा? अब जब हीट मिलेगी इसको, यहाँ से कुछ हीट एंटर करेगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या गैस का? तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और गैस क्या करेगी? इस पिस्टन को धकेलेगी, पिस्टन को धकेलेगी, तो पिस्टन ऊपर डिस्प्लेस होगा। अब पिस्टन पर गैस ने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? तो आपने कहा एफ, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आपने कहा डी एस। तो वर्क आप कैसे लिखोगे? एफ इंटू डी एस से। अब लेकिन गैस ने फोर्स लगाया, ये बात थोड़ा सा मज़ा नहीं आता इसमें। क्यों नहीं आता मज़ा? क्योंकि गैस के लिए हम प्रेशर डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। गैस ने किस पर कितना फोर्स लगाया, ये प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है, नहीं? तो अभी अगर गैस ने यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया था, मान लीजिए एफ के बराबर एफ फोर्स लगाया, तो इस एफ फोर्स को आप क्या लिखोगे? पी इंटू एरिया। अरे लिखोगे यार। तो अभी आप जब वर्क लिख रहे होते हो, तो आप जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम या गैस के ऊपर बात कर रहे होते हो, तो वर्क डन बाय गैस जब लिखोगे, तो फोर्स के टर्म में ना लिख के क्या लिख दोगे? प्रेशर इंटू एरिया। अब ये डिस्प्लेस कितना हुआ? डी एस। अरे हुआ कि नहीं? तो ए इंटू डी एस को क्या लिख दोगे आप? अब एरिया ये चला ऊपर, एरिया इतना था ये, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया, तो एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये पर्टिकुलर के वॉल्यूम बन गया। अरे बन गया ना। तो अभी जब वर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे? पी डी वी से, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है? तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम से आप क्या लिख दोगे? वर्क लिख दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो, ऐसे समझें इसको हम, कि प्रेशर इंटू चेंज इन वर्क है, तो अभी मैंने कहा कि अगर मैं बड़ा ऐसे कुछ ले लूं और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको पी डेल्टा वी की तरह कुछ लिख सकते हैं? प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इसको पी डेल्टा वी लिख सकते हो, प्रेशर बाहर आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी लिख दिया। बात समझ में आ रही? अगर डेल्टा वी मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पर देखो, डायग्राम दिखाऊंगा। अभी एक ऐसे करके प्रोसेस दिया ए से लेके बी तक, इस प्रोसेस में वर्क क्या है? पक्का जीरो? अरे भाई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ, जितना वॉल्यूम पहले उतना वॉल्यूम बाद में, और लगातार वॉल्यूम जीरो रहा, कॉन्स्टेंट रहा, तो वर्क हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी देखो मैं प्रोसेस दिखाता जाऊंगा, और आपको मुझे वर्क बताते जाना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये बताना है केवल, ठीक है? जागते रहना। ये था प्रेशर, ये था वॉल्यूम,
घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कहा भाई साहब ये प्रोसेस है, बताओ वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपने कहा देखो भैया अगर आप देखोगे तो ये वाली लेंथ है इनिशियल वॉल्यूम और ये वाली लेंथ जो आएगी आपकी ये है फाइनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो वर्क क्या आएगा? तो आपने लिख दिया वर्क पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और देखो, अभी मैंने कहा अच्छा फिर से इस बार बताओ, इस बार मैंने ऐसे ग्राफ दे दिया, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, अब बताओ वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यहाँ पर वर्क पॉजिटिव था, अब बताओ वर्क फिर से पॉजिटिव, कमाल ही हो गया। ये भी इनिशियल ये भी फाइनल, तो ये वर्क आपने लिख दिया वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये बहुत सिंपल बातें हैं, है कि नहीं? अच्छा जी एक और करो जरा जल्दी से, इस बार थोड़ा जानलेवा हमला होगा। ये वॉल्यूम है, ये ऐसे चल रहा है ग्राफ, यहाँ पर ये दिया गया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया गया है 2 मीटर क्यूब और यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया गया है 7 मीटर क्यूब और ये प्रोसेस चल रहा है ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। तो मुझे बताओ ये प्रेशर का प्रेशर है ये वॉल्यूम है, वर्क डन बाय गैस बताएं जरा फटाफट, पॉजिटिव तो आएगा, उसकी वैल्यू चाहिए इस बार तो मेरे को। 10 कहाँ से आ गया यार? है अच्छा इंटीग्रल पी डी वी का मतलब होता है एरिया अंडर पी वी ग्राफ, पक्का बात है? एरिया अंडर पी वी ग्राफ यही होता है क्या? अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इसका तो फिर ऐसा मतलब कोई भी इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल वाई डी एक्स अगर है तो इसका मतलब है एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। अरे ये मैथ्स है यार, थोड़ी सी याद रखना, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, मुश्किल बात तो नहीं चल रही कोई, पक्की बात है? तो अभी अगर मैं आपसे पूछता कि भैया वर्क डन मुझे गैस का बताओ, तो आप मुझे वर्क डन फाइंड करने के लिए ये पूरा एरिया फाइंड करके बता देते, है ना? और अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसे पॉजिटिव में लिखते और घट रहा होता तो, अरे गजब ही हो गया। तो वर्क डन बाय गैस बताओ कितना लिखा? तो आपने लिखा देखो भाई ये वाली लेंथ हो जाएगी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये वाली लेंथ कितनी है? 5 मीटर क्यूब। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 5 मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को अंग्रेजी में, अरे क्या बात है यार तुम लोगों को कितनी अंग्रेजी आती है, 10 जूल आ गया भाई साहब वर्क पॉजिटिव में आ गया। मुश्किल हो रही है ये, नहीं हो रही है? मुश्किल कर दें ना, करें कर दें, चलो एक और कर ले। ये है पीवी ग्राफ, समझ रहे हो बात को? अच्छा तो अभी मैंने कहा भाई साहब ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर है 2 मीटर क्यूब, यहाँ पर है 6 मीटर क्यूब, यहाँ पर प्रेशर आपको दिया गया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर दिया गया है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैंने कहा ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है वो ए टू बी प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी प्रोसेस बताओ जल्दी से। 24 जून। पक्का माइनस का ही लगा दिए यार, अच्छा वॉल्यूम घट रहा है। ओ तो अभी कौन सा एरिया फाइंड करेंगे अपन लोग? अपन को एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है पूरा, करना है कि नहीं? अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करें? तो हमने कहा देखो एक तो भैया ऐसे करके रेक्टेंगल बना लो, इसका एरिया फाइंड करना आता है अपने को, और एक बना लो ऐसे ट्राइंगल, इसका भी एरिया फाइंड करना आता है। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ये 2 है और ये 4 है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया तो आ जाएगा 8 जूल और ये वाला जो एरिया आएगा ये लेंथ कितनी है? 8 है क्या? ये 8 है हाँ, और ये वाली कितनी थी? 4, तो 8 + 1/2 8 × 4 जूल, तो टोटल कितना आ गया यार ये 24। तो एरिया आया था इतना, लेकिन इसको माइनस में काय लिखे हम लोग?
कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन का मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, और एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। क्या बात है, तो ये आ गया -24 जूल। व्हाट इज दिस -24 जूल? इट इज वर्क डन बाय गैस, पूरी बात बननी चाहिए वर्क डन बाय गैस। अब मैंने कहा चलो मुझे बताओ वर्क डन ऑन गैस ए टू बी प्रोसेस, ये कितना लिखोगे? ये प्लस 24 वर्क डन, वर्क ये क्या है, वर्क डन बाय गैस, अरे गैस पर वर्क, गैस से ने वर्क कितना किया, तो आपने कहा माइनस में इतना किया, तो गैस पर कितना वर्क हुआ, तो वो उसका उल्टा पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको प्लस 24 जूल लिख दोगे। इसमें कोई दिक्कत हो रही है? उल्टा हो गया, उल्टा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय गैस। अरे इसमें कुछ है ही नहीं ना। अरे भाई अब देखो ऐसे है, ये पिस्टन है ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि अगर मान लो गैस फोर्स ऐसे लगाएगी, फोर्स अप्लाइड बाय गैस, और कंप्रेशन हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो नेगेटिव में आना है वर्क, वर्क डन बाय गैस। और वर्क डन ऑन गैस की बात करोगे तो ये एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, उसका फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, तो वर्क उसका पॉजिटिव आएगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। किसका वर्क? गैस का वर्क। और एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में गैस का वर्क पॉजिटिव, और कंप्रेशन में ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा ना भाई, अरे गैस इधर भरी हुई है और आप इसको दबा रहे हो, ये दब रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो आपने कहा इस वाले फोर्स का, गैस का फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, नेगेटिव हो गया। इसमें क्या है यार, ये बात क्लियर हो रही है? अरे कहला भाई साहब बचपन से क्लियर थी एकदम। ठीक है जी चलो, ये क्या है भाई वॉल्यूम, ये क्या है प्रेशर, समझ रहे होंगे आप बात को? तो हाँ आप तो बात समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्या घबराने की बात। यहां से प्रोसेस जलेगा, फिर ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये 2 मीटर क्यूब, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसका नाम रख दिया डी। यहाँ पर आपको दिया गया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आपको दे दिया गया 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब बताओ वर्क डन बाय गैस, प्रोसेस में दे रहा हूँ ए टू बी केवल, बाबा 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 ब्लैक शीप 4 मीटर क्यूब, ए टू बी प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस बताओ, ए टू बी ए टू बी के लिए वर्क डन बाय गैस बताओ, जीरो। दिमाग खराब हो गया, ए टू बी प्रोसेस यहां से यहां तक है, एट जूल। अरे भैया क्या हो गया, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों क्या हो गया, तुम 12 जूल आ गया। चलो तुम थोड़े नन्ने मुन्ने राही साइड में आ जाओ, आ गए, देखना ध्यान से, अगर ए टू बी प्रोसेस के लिए वर्क पूछा, ए टू बी प्रोसेस यहां से यहां तक था, था ए पॉइंट का नाम यहां था, बी पॉइंट का नाम यहां था, प्रोसेस ये यहां से यहां तक गया था, ये वाली लेंथ, ये पॉइंट दिया था आपको 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ए टू बी प्रोसेस को ही अगर देखना है, यहां पर था आपका 2 मीटर क्यूब, ये पॉइंट था आपका 4 मीटर क्यूब, आप ये वाला एरिया लोगे कि ना लोगे बताओ? अरे लोगे यार, एकदम ईमानदारी से लोगे, तो जल्दी से बताओ वर्क डन बाय गैस ए टू बी प्रोसेस के लिए क्या लिखा, तो एरिया ना लिख पाएंगे, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो 12 जूल आ गया। प्लस में लिखा माइनस में, प्लस में लिखा आपने, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब मैंने कहा चलो मुझे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने मुझे बता दिया, पहले पॉइंट की वैल्यू आपने मुझे बताई 12 जूल, चलो अब मैं दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय गैस बी टू सी प्रोसेस, जीरो पक्का, ऐसे कैसे जीरो कैसे,
अच्छा, कोई एरिया वेरिया ना आएगा? एरिया कैसे आएगा? तो वर्क डन यहाँ पर आपने बी टू सी के लिए लिख दिया कितना, जीरो। अब मेरे पास तीसरा बचा है बस, मैंने कहा चलो तीसरा बता, मुझे बताओ वर्क डन बाय गैस सी टू डी, ये कैसे करें सी टू डी वाला? अच्छा ऐसे ऐसे करते, बोल रहे ऐसे करते कि पी बना लो बी बना लो, ग्राफ बना लो सी से डी तक का, सी बना लो डी बना लो, यहाँ पर डाटा नोट कर लो, ये कितना था दो, ये दो था, यहाँ पर डाटा कितना था दो, ये दो, और ये कितना है चार। अब ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया आप लिखोगे ये लेंथ हो गई दो, चार माइनस दो इज टू, तो ये लेंथ हो गई टू, ये लेंथ हो गई टू, टू टू जे फोर, टू टू जे फोर ही होता है ना, तो माइनस में क्या लिख रहे यार? अच्छा वॉल्यूम घट, हाँ माइनस फोर, कोई दिक्कत की बात है? माइनस फोर जूल। मैंने कहा एक काम करो, मुझे आप चौथा सवाल का जवाब दो, वर्क डन बाय गैस ए टू बी टू सी टू डी प्रोसेस के लिए कैसे? आए आए तो कैसे? ये तो हम लोग जीरो बता रहे थे पहले, पहले जीरो बता रहे थे एकदम, पहली बार जब हमने ये सवाल डायरेक्ट पूछा था। तो जीरो ना है, ना है, ना है, ना है। तो भाई से थोड़ा दिमाग खुला, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि आपने ये वाला एरिया बताया होगा, मुझे बताया कि नहीं? और ऊपर वाला ग्राफ का वर्क पॉजिटिव और नीचे वाले का नेगेटिव, तो ओवरऑल ये एरिया पॉजिटिव, नहीं समझे बात भाई? ये जो पूरा था, ये पूरा था, ये पूरा पूरा का पूरा जो था वो पॉजिटिव था, और ये वाले पार्ट में वर्क हुआ नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा ये वाला एरिया पॉजिटिव वाला। तो अभी कितना बताओगे आप? ये 12 जूल जीरो माइनस चार, या तो सबको जोड़ दो, या फिर इतने इतने पार्ट का एरिया सीधे फाइंड कर दो। समझ रहे बात को? अरे यार समझ लो यार, कोई तो समझ लो, या तो ये एरिया पूरा फाइंड कर दो मुझे, ये एरिया फाइंड करने की छः में से दो गया कितना बचा चार, और ये हो गया दो, फोर टू जै एट, एट जूल डायरेक्ट आंसर। मुश्किल हो गया ना? हुआ मुश्किल नहीं, एक और कर लो, ना करना कर लो। हाँ बेटा बोलो, ये डायरेक्ट वाला मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट ही वाला है, उसी को सुनना ध्यान से। पहले पूरा एरिया था ये वाला पूरा एरिया, ये प्लस में था इस वाले प्रोसेस से, और नीचे वाला एरिया भी लोगे क्योंकि यहाँ तो वर्क हुआ नहीं, तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव में आया तो ये कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला बचा केवल, पॉजिटिव बचा केवल। अरे बचा कि नहीं? पक्का पक्का, एक और कर ले, ध्यान से देखना, ये पी ये भी, दिक्कत की कोई बात तो नहीं है भैया? ना कहना दिक्कत हमको है, ये ऐसे चल रहा है, पूरा एक साइकिल है, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट दे दिया ए, और यहां पर एक पॉइंट दे दिया बी, तो ये साइकिल चलेगी ए से बी और फिर बी से वापस ए। तो अब देखो, हमें अगर इसमें वर्क पूछता है वर्क डन बाय गैस, तो हमें कैसे सोचना कैसे है? हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। तो पहले ए से बी तक का वर्क बताओ, तो ये पूरा ए से बी ऊपर वाले प्रोसेस के लिए अगर बात करोगे, तो आप कहोगे देखो ये एक्सपेंशन है, तो अभी एक्सपेंशन है तो वर्क पॉजिटिव में लिखोगे, और एरिया कितना लोगे पूरा जो ए से बी प्रोसेस में आ रहा, अरे लिखोगे कि नहीं? तो ये पूरा एरिया पॉजिटिव में लिख दो, कि जहां मैंने प्लस प्लस लिख रखा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि, मैंने कहा भैया अब मुझे ये बी से सी का, और अगर मैं वर्क लिख दूं ए से बी का वर्क, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है ना, और बी से सी का अगर मैं वर्क पूछूंगा तो बी से सी के नीचे वाला एरिया, लेकिन ये आएगा नेगेटिव में, तो आपने कहा ये आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो ये प्लस और माइनस तो गायब हो गए। तो पूरे साइकिल का एरिया पूछेंगे तो क्या बताओगे, प्लस में बताओगे कि माइनस में बताओगे? हाँ जी,
प्लस में बताओगे। तो अभी इस पूरे एरिया को आपका, अगर पूरे साइकिल का वर्क पूछे बाय गैस, तो ये वाला सर्कल का एरिया आपको बताना है इन पॉजिटिव। और वर्क डन बाय गैस कैसा हुआ इस पूरे साइकिल में? पॉजिटिव। तो क्वालिटेटिवली तो यही पूछेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आप बता दो कि पॉजिटिव है यार, इसमें क्या है यार, मुश्किल है। इसमें रट्टा भी मारते हैं लोग, मैं नहीं मारता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें मैं एकदम से नहीं उसमें मैं गलत करवा सकता हूँ, गलत करवाता हूँ बच्चों से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वी और पी की पोजीशन बदलता हूँ, बस गेम खत्म हो जाता है। इसलिए दिमाग पूरा खोल के करो ना, इतनी गरीबी थोड़ी आ गई यार। जी बेटा, जब बी से सी जाओगे तो ये गया प्रोसेस, तो इसके नीचे का पूरा एरिया लोगे। अब ये कंप्रेशन हो रहा, ये वॉल्यूम बी पर ज़्यादा था, मान लो 10 मीटर क्यूब था, अब यहाँ पर हो गया मान लो 6 मीटर क्यूब, तो अभी ये वॉल्यूम घट रहा है, तो नेगेटिव वर्क आएगा। नेगेटिव वर्क भी मोरतई लिख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा तो निपट गया प्लस माइनस। ऊपर कब अगर टोटल साइकिल का पूछेगा तो इसका वर्क भी लिखोगे और इसका वर्क भी लिखोगे, तो ये अकेला बचेगा। इज इट क्लियर? कोई घबराने की बात ना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय गैस ए टू बी टू ए होल साइकिल किसके बराबर आया? एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। कोई दिक्कत की बात है ना? है पक्की बात है, बढ़िया है जी, है जी। और ये पॉजिटिव आया, ये भी बात पक्की है। तो एक और पूछ ले, कहो तो एरिया कैसे निकालना है? डाटा से, डाटा मिलेगा उसके हिसाब से निकालना। निकालने के लिए दे देते हैं एक आपको, आप लोग निकाल लो, हमको क्या। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, यहाँ पर आपको एक मैंने ऐसे दे दिया सर्कल, ये है 2 मीटर क्यूब, ये है 6 मीटर क्यूब, ये 5×10^2 N/m², ये 10×10, ये 10 मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, 15×10^2 N/m². अब मुझे प्रोसेस है ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस बताओ। 15 सेकंड मिलते हैं भैया, 15 सेकंड, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अब देखो क्या है कि इसमें जो एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन है वो सेम नहीं है, ये देखने में सर्कल लग रहा है ना, ये सर्कल ना है, शक्ल पे ना जाएं, अकल पर जाएं। तो अभी अगर इसको यहाँ से देखें तो ये वाला जो डायमेंशन है, ये जो इसकी रेडियस इस वाली आ रही है, ये आ रही है आपकी 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4, और 4 का आधा 2 m³। ठीक है, ये 2 m³ आई। और ये वाली रेडियस अगर आप देखोगे तो 15 में से 5 गया तो बचा 10, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 10, तो आधी हो गई 5, तो ये वाली रेडियस आएगी 5×10^2 N/m². अबे गरीब आदमी, N/m². अब क्या है कि आपको दिख रहा है कि ये रेडियस अलग है और ये रेडियस क्या है, अलग है। तो अभी इसको आप सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो लगाना पाओगे, तो अभी इसमें आप लगाओगे एरिया पाई R1 R2। ना समझे बात को, कितना भाई साहब हमसे खेल रहे यार। R1 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2, और R2 की वैल्यू 5×10^2, तो कितना आ गया पाई? 10 कहाँ से आ गया? अब कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी सिली मिस्टेक तो मैं एग्जाम में अलाउ कर देता हूँ, बस माइनस में नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया? π×10^3 J। अरे मुश्किल हो गया क्या यार, ये कोई सवाल मुश्किल हुआ? नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बदलाव करूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास आया था Q=ΔU+W, और डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है F/2 nRT के बराबर आती थी, याद है कि भूल गए? याद है, F/2 आ नहीं रही है, F/2 शर्मा रहे हैं,
एफ बाई टू एन आर टी के बराबर आती थी। समझ में आ रही है बात? तो अभी ये तो आ गया डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी लिखो यार, क्या गरीबी से जी रहे हैं अपन लोग। डेल्टा टी काय कर दिए चेंज है, हाँ सही बात। और वर्क के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था, वो क्या था? इंटीग्रल पी डी वी। अब हमें एक बात पता लग गई कि वर्क हमें पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, कम से कम हम ये बता सकते हैं, पक्का बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर का चेंज, पक्की बात है 100%। तो टेम्परेचर का चेंज ये डिसाइड करेगा कि डेल्टा यू पॉजिटिव है या निगेटिव है या कितना है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अब मेरी बात पर थोड़ा ध्यान से देख ले हो, समझ ले हो अच्छे से। यहां पर मैंने दे दिया आपको प्रेशर, यहां पर मैंने आपको दे दिया वॉल्यूम, यहां पर एक पॉइंट है, इसका प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, एन मोल गैस के लिए सारी बातें करेंगे हम। तो एक पॉइंट था ए, और एक पॉइंट मैंने यहां पर दे दिया, प्रेशर कर दिया टू पी नॉट और वॉल्यूम कर दिया टू वी नॉट। समझ रहे हो बात को? तो अगर यहां पर टेम्परेचर है मान लो 100 नहीं टी, तो यहां पर टेम्परेचर कितना, यहां पर टेम्परेचर अगर टी है तो यहां पर टेम्परेचर कितना? तो मेरे को सरकारी इक्वेशन पता है, मैंने कहा देखो पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू, आप लिखोगे एन आर टी और फिर टू पी नॉट लिखोगे इंटू टू वी नॉट लिखोगे इज इक्वल टू एन आर टी डैश। तो मैंने कहा मैं टी डैश कैसे बताऊं, एन आर टी की वैल्यू बोल रहे लिख दो पी नॉट, तो ये हो गया 4 पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट की वैल्यू पता है किसी को NRT. है जी एन आर टी, तो आप इसको लिखोगे एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी डैश, एन आर एन आर कैंसिल, तो टेम्परेचर कितना हो गया 14. पक्की बात है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अरे ये बात यहीं समझना चाहिए, पी वी डबल हो गया, पी वी टी को रिप्रेजेंट करता, पी इंटू वी विल रिप्रेजेंट टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन अगर कॉन्स्टेंट है तो पी इंटू वी किसको रिप्रेजेंट करेगा टी को, और अगर पी इंटू वी की वैल्यू हो गई 4 गुनी तो टेम्परेचर कितना हो गया 4 गुना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ये ओरल वाला खेल था, इसको आपने फैलवा दिया, कोई बात नहीं, फैल गया, घबराने की कोई बात नहीं। अभी मैंने कहा मैं भाई साहब यहां से यहां जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है बी, जाग रहे हैं सब लोग? अच्छा बताओ ए से बी ये प्रोसेस नंबर 1 है, इसमें वर्क बताओ प्रोसेस नंबर 1 में, प्रोसेस 1 में वर्क पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, पक्का? और डेल्टा यू बताओ पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये पक्का पॉजिटिव? कैसे? ऐसा क्या? पक्का 100% हो रहा होगा यार, अपन क्या कर सकते हैं, हो रहा होगा। डेल्टा यू पॉजिटिव है, कितना है? मैंने कहा ये एन मोल मोनो एट, मोनो अच्छी लगती तुमको? नहीं, मोनो में 3/2, डाई में 5/2, पॉली में 6/2, 7 नहीं चलता अपने यहाँ, 7 से तो हेवन पहुंच जाओगे, 3/2, 5/2, 7/2। अरे आज तुम्हें यार गरीबी आ जाती है, फिर देख लो संगत का असर आया था। फ्री जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे यहाँ चलेगी मोनोएटमिक के लिए कितनी चलेगी 3, डाइएटमिक के लिए कितनी चलेगी 5, और पॉलीएटमिक के लिए कितनी चलेगी 6। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने शहर में नहीं मिलती, फिजिक्स में नहीं मिलेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कौन सी केमिस्ट्री मिलती, फिजिकल केमिस्ट्री वालों से लेना, वो अपने यहाँ नहीं है, ठीक है अपने यहाँ इतना ही है, 3, 5, 6 में 3 ट्रांसलेशनल हमेशा रहेंगी, इसमें 2 रोटेशनल और इसमें 3 रोटेशनल आ जाती हैं, बताई थी ना ये बात? हाँ ठीक है। तो अभी मैंने कहा ये मोनोएटमिक गैस दे दी, चलो मोनोएटमिक, तो मोनोएटमिक गैस में अभी मैंने कहा चलो बताओ यहाँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखो यहाँ पर कितना है, अब तो जानलेवा हो गया,
9/2 बी नॉट बी नॉट, पक्की बात? कैसे फाइंड करते हैं? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ मेरे पास, मैंने लिखा, मैं फॉर्मूले में रखूंगा, ध्यान से देखना, तसल्ली से करो, लेकिन बहुत समझ के करो। डेल्टा यू का फॉर्मूला मेरे पास था एफ बाई टू एन आर टी, ये डेल्टा टी, तुम और चले जाओ इधर से उधर, आ जाओ वापस, ये और भग रहा है इधर से उधर। एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी लिखी थी यार तुम लोगों ने बताया था, पहले टेम्परेचर था यहाँ पर टी नॉट, तो यहाँ पर मान लो 4T नॉट, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, तो यहाँ 3T नॉट लिख दें, और एफ की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3/2, 3 तिरका तो 9 हो गया, एन आर टी नॉट, और एन आर टी नॉट को क्या ले सकते थे, पी नॉट वी नॉट, तो ये आ गया 9/2 पी नॉट वी नॉट, इसमें घबराहट तो नहीं हो रही, तो यहाँ पर वर्क कितना लिखा मैंने 9/2 पी नॉट वी नॉट, कोई दिक्कत थोड़ी है। एन आर डेल्टा टी, पहले टेम्परेचर था अगर मान लो टी नॉट, तो बाद में टेम्परेचर कितना हो गया 4T नॉट, तो 4T नॉट में से टी नॉट घटा दो, पहले ये फाइनल टेम्परेचर 4T नॉट, इनिशियल टेम्परेचर बेटा टी नॉट, तो इसमें से 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3T नॉट, तो आप लिखोगे एफ बाई टू, एफ की जगह लिखेंगे 3, एफ बाई टू मतलब 3/2 एन आर, और ये था डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की जगह क्या लिख देंगे 3T नॉट, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरका 9/2 और एन आर टी नॉट बचेगा, तो एन आर टी नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे पी नॉट वी नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये आ गया डेल्टा यू। अच्छा मैंने कहा एक दूसरा मैं बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अब बताओ वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है पक्का, अभी भी पॉजिटिव है, दूसरे प्रोसेस के लिए जा रहे, दूसरा प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस में इस वाले ध्यान से बोर्ड पर नजर, इस प्रोसेस में वर्क ज्यादा है या इस प्रोसेस में वर्क ज्यादा है, ऊपर वाले में वर्क ज्यादा है, काय 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 काय, अच्छा उसका एरिया ऐसे पूरा लेंगे तो ट्रायंगल भी आ जाए, अरे सही यार, और इस वाले में केवल ये रेक्टेंगल वाला एरिया आएगा, तो इसमें वर्क है तो पॉजिटिव ही लेकिन जरा कम है, तो वर्क इस बार भी, पिछले बार अगर मान लो ट्रिपल पॉजिटिव था तो इस बार है डबल पॉजिटिव, ये समझ गया, मतलब है तो पॉजिटिव लेकिन थोड़ा डेल्टा यू क्या है, क्योंकि ये डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा, और डेल्टा टी तो यार यहाँ टी नॉट था यहाँ 4T नॉट है, अंतर के बराबर ही आएगा, तो डेल्टा टी यू की वैल्यू फिर से वही लिख दी आपने, अरे मजाक चल रहे के यार, फिर से वही लिख दी, काय लिख दी फिर से वही, क्योंकि डेल्टा यू जो है केवल इस पॉइंट के टेम्परेचर और इस पॉइंट के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए डेल्टा यू को कहते हैं अवस्था फंक्शन, स्टेट फंक्शन, समझ रहे हो बात को, मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस पर, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऐसे गए कि ऐसे गए कि ऐसे गए कि ऐसे गए कि कैसे गए, इस पे डेल्टा यू डिपेंड, तो डेल्टा यू कौन है, कौन है स्टेट फंक्शन, स्टेट मतलब स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस, और प्रिसाइज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा मैंने कहा दूसरे वाले में आपने देख लिया कि वर्क थोड़ा कम हुआ, डेल्टा यू रहा सेम, मैंने कहा इस बार मैं इधर से जाऊंगा, ये तो मेरा तीसरा रास्ता है, इस बार डब्ल्यू क्या है, अब सबसे ज्यादा 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा वर्क कब है, किस में सबसे ज्यादा वर्क, 1, 2, 3 में, कैसे, क्योंकि अब जब आप एरिया लोगे तो आपको पता है इसके नीचे वाला पूरा एरिया बड़ा एरिया आएगा, अरे तीसरे वाले का जो एरिया आप लोगे ना वो तीसरे वाले में तो एरिया ये वाला जाएगा ना पूरा, ऐसे नीचे उतारोगे लाइन ये वाला एरिया जाएगा, और पहले वाले में कौन सा एरिया जाता, पहले वाले में अगर आप एरिया की बात करते तो पहले वाले में एरिया आपका जाता ये वाला, समझ रहे हो बात को, और दूसरे वाले में जब आप बात करते तो दूसरे वाले में एरिया जो आपका जाता वो जाता कौन सा, केवल ये वाला, तो सबसे ज्यादा एरिया किससे एनक्लोज्ड हो रहा, तीसरे से, तो तीसरे में वर्क क्या हो गया सबसे ज्यादा, तो ये अडवे, तो ये प्रोसेस 2 में आपकी बात हुई थी, अब ये प्रोसेस 3 की बात करेंगे,
तो वर्क तो हो गया बहुत ज्यादा, नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, क्या नाम है इसका, इंटरनल एनर्जी का चेंज 9/2 पी नोट वी नोट अगेन। अरे यहां तक ठीक है, हमारे पास था फर्स्ट, नहीं कौन सा ये फर्स्ट ही है, अच्छा फर्स्ट पहले था और फिर सेकंड था, फिर थर्ड था और फिर आया जीरो, ऐसे कैसे यार। अच्छा सबसे बाद में उसके बारे में बात हुई और सबसे पहले उसको रखा गया जीरो पोजीशन, मोस्ट फंडामेंटल है वो। हाँ, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया था। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे याद ही नहीं है क्या था ये, कहना भाई आपको याद नहीं हमको भी याद नहीं, अब टेंशन ना लो मस्त रहो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये ऐसे बताने के, देखो ए अगर बी के बराबर है, बी और अगर सी, हाँ भाई हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है यार इसमें, ये बड़ी बात है कोई, ये बता रहे हैं देखो इन्होंने बताया मैं जीरो थर्मोडायनेमिक्स की, अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर, सीधे शब्दों में साइंटिस्ट वाइंटिस्ट की स्टाइल में नहीं, एकदम आम आदमी, इसने कहा ए का टेम्परेचर अगर भाई साहब बी के बराबर है और अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर भी है तो बी और सी का टेम्परेचर बराबर होगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या, बड़ी बात है, होगी बड़ी बात यार, अपने को पल्ले नहीं पड़ता कि कौन सी बात बड़ी है कौन सी छोटी है। हाँ ठीक है खैर, चलो खैर बात बड़ी होगी, बड़े लोगों को समझ में आती है कि बात बड़ी क्यों है, अपने को तो ये समझ में नहीं आता कि बड़ी बात है कि छोटी बात है कि बात भी है ये कोई। हाँ तो अच्छा ये देखो अभी हम बहुत एक नोटिसेबल बात है, ध्यान से देखना, हम चले थे ए से और बार बार जा रहे थे कहाँ पर, बी पर, अलग अलग रास्तों से जा रहे थे, अलग अलग पाथ से जा रहे थे, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जा रहे थे, है ना। हम चले थे ए से, पहुंच रहे थे बी पर, कभी प्रोसेस वन लिया, कभी प्रोसेस टू लिया, कभी प्रोसेस थ्री लिया, प्रोसेस मतलब पाथ रास्ता, है ना, मतलब गैस कैसे कैसे अवस्थाओं से स्टेट्स से होकर गुजरी, रास्ता बदलोगे ना तो अलग अलग जगहों से गुजरोगे। हाँ तो अभी आपने देखा कि वर्क की वैल्यू तो आई अलग अलग और डेल्टा यू की वैल्यू आई सेम, तो डेल्टा यू प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन वर्क प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो हीट गिवन थी वो अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी, चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो डेल्टा यू है ये क्या है, स्टेट फंक्शन, क्या है, स्टेट फंक्शन। W क्या है, पाथ फंक्शन, प्रोसेस फंक्शन, और Q क्या है, पाथ फंक्शन और प्रोसेस फंक्शन, मतलब Q विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड आपको करनी पड़ेगी अलग अलग, अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस होगा अलग अलग, लेकिन इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि चले कहां से थे, पहुंचे कहां, कहां से गैस कैसी थी और लास्ट में कैसी है, शुरू में टेम्परेचर क्या था, बाद में टेम्परेचर क्या है, केवल इस बात पर कौन डिपेंड करेगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू इज पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इंडिकेटिंग डायग्राम में से पॉइंट शो करते हैं स्टेट को, तो डेल्टा यू इज पॉइंट फंक्शन, डब्ल्यू एंड क्यू इज पाथ फंक्शन। ये बात दिमाग में रहेगी कि ना रहेगी, पक्की बात एकदम। अच्छा तो अभी अगर कोई आपसे ऐसे पूछ लेता कि भैया इस वाले प्रोसेस में क्यू जो हीट सप्लाइड बाय टू गैस है, हीट हमने जो दी गैस को, वो हमने दी जो गैस को हीट दी, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आप कहोगे देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव, और अगर मामला, तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्यू के बारे में पता लगाना है, किसके बारे में, हीट सप्लाइड के बारे में, टू गैस, कौन देगा हीट, हम किसको देंगे, गैस को हम हीट देंगे, तो वो पॉजिटिव हीट कहलाएगी, और अगर गैस ने कहा नहीं हम ही दे रहे तुमको, तो वो हीट को हम निगेटिव में लेंगे, काहे, क्योंकि हम अपनी जो हीट देते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, तो हमें जो मिल रही है उसको कैसे मिलोगे, ऑब्वियसली निगेटिव में लेंगे। तो अगर आपको क्यू के बारे में कभी भी कोई पूछे कि कितनी हीट सप्लाइड की, तो आपको दो चीजें पता लगानी पड़ेंगी,
दो चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी, पहला डेल्टा यू, दूसरा डब्ल्यू, और फिर उन दोनों को जोड़ के आप बताओगे कितनी हीट गई, कितनी हीट देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही ना आ रही? आ रही। तो भाइयों ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें वर्क डेल्टा यू और क्यू के बारे में बात होगी, है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। नहीं समझते बात को? ये फर्स्ट लॉ है, किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसके बाद एक लॉ और आता है, उसका नाम पता नहीं क्या है, सेकंड। अरे ये बात सही, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सही बात। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो बात होती है वो होती है कि एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा। सेकंड लॉ का बहुत जनरल बात बता रहा हूं, हमारे को ज्यादा उस पर बात नहीं करनी। सेकंड लॉ ये कहता है कि एनर्जी बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? मतलब अगर आपने खोलता हुआ पानी रखा हुआ है तो वो अपने आप बर्फ नहीं बनेगा, ठंडा तो होगा, रूम टेम्परेचर आने के बाद बर्फ अपने आप नहीं बनेगा। आपको भी काय नहीं बनेगा? अरे भाई ये हमारे पास पानी रखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, 27 डिग्री सेल्सियस पर सराउंडिंग है, मान लो नॉर्मल हो गया मामला। अब यहां से हीट अगर यहां चली जाए तो ये बर्फ बन जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दे थोड़ा सा मोल लेगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बारे में मौन है, शांत है, चुप है। वो कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा, हो रहा हो नहीं हो रहा नहीं हो आई डोंट केयर, जो भी होगा उसमें एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। सेकंड लॉ कहता है कि भाई साहब ये तो ठीक है एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, बट देयर इज सम नेचुरल लॉस, कुछ नेचर की बात है कि एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय इटसेल्फ। तो फिर क्या करना होगा? अगर आपको पानी को बर्फ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी आपने दे दी तो वो पानी बर्फ काम रहेगा, और उसमें से एनर्जी लेनी पड़ेगी। आप उसको दे दो एनर्जी दे देगा, वो दे देगा। तो आपने कभी कहीं सुना है रेफ्रिजरेटर नाम की कोई चीज? हाँ जी, सराउंडिंग ऐसे भाई साहब ऐसे मतलब कहने लगे बर्फ कहने बनानी नहीं, गिरा लेंगे अपन। सराउंडिंग का टेम्परेचर अपन माइनस में करेंगे, ऊपर से बर्फ गिरेगी, कटोरा लेके घूमेंगे, भर जाएगा, हो गया काम। ऐसे यार रतड़ी जी, आप माना कि आप जो है मतलब पहाड़ों से आए, बोले सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर लो। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज मत करो, सराउंडिंग चेंज करो, है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। कहने लगे ट्रेन का टिकट कटाएंगे भाई साहब, पहुँच जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसमें से काम की बातें आपको मिल गई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर, सॉरी फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर। एनर्जी अपने आप हाई लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर से अपने आप नहीं जाएगी, उसको भेजना पड़ेगा। भेजने की जो मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है वो, और एक होता है हीट इंजन। हम एनर्जी देते हैं किसी को, वो हमें काम करके देता है, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। हमने एनर्जी दी, उसने हमें काम करके दिया, दैट इज हीट इंजन। हम काम करेंगे और वो हमको, वो जो सिस्टम है ना, जो कन्फाइंड सिस्टम है उसमें से एनर्जी कुछ ज्यादा बाहर निकल जाए, ऐसा प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। इसको भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम इसके आगे बात करेंगे। इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा प्रोसेस पर खेलूंगा भाई, खेल लिया जाए, खेल लिया जाए। तो अभी मैं सबसे पहला प्रोसेस ले रहा हूँ, उसका नाम क्या है, सबसे सिंपल प्रोसेस, इसको कहते हैं आइसोकोरिक। क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको आइसोचोरिक भी बोलते हैं। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है जी। अब देखिए क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हो गई थ्योरी, थ्योरेटिकल बात कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात है। अब हम इसकी पहला हम इसकी लिखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन,
ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, और मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी आपकी बनेगी या प्रोसेस फंक्शन जिसको आप कहते हो, वो क्या है, पी वी एन आर टी, ये सब में जो भी आप बना सकते हो। तो आपने कहा भाई देखो मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से अभी हमें क्या पता लग गया कि वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अब हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। अब हमारा इसमें वी कॉन्स्टेंट है ये हमें बता दिया गया, अब बचा कौन, प्रेशर टेम्परेचर मोल भी तो बचे। हाँ, तो अब हम इसमें एक लाइन जोड़ के लिखते हैं हमेशा, ताकि हमारी बात में कोई कमी ना रह जाए। बात हमने जोड़ी कि फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस का मतलब क्या होता है, हाँ कि मतलब अमाउंट ऑफ गैस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्स्टेंट। तो अभी आपका एन भी कॉन्स्टेंट हो गया, आर तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास रिलेशन क्या आया, पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे आया यार, तो आपके पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई वो आई पी अपॉन टी या पी टी टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें कोई समस्या है ना। अब इसमें वी तो क्या है, कॉन्स्टेंट। अब ये आपने बना दी इक्वेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत ना हो तो पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं ताकि बच्चों को और आसानी रहे, वो ऐसे लिख देते हैं पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। हमने कहा जैसे मन करे लिख लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो एक का काम हो गया, इक्वेशन बन गई, एक समझ में आ रही है बात पक्का हाँ। अभी हमने कहा मैथमेटिकल इक्वेशन तो बन गई, अब हमने कहा चलो दूसरा, अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम इसके बनाते हैं ग्राफ्स, जैसे पीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, ऐसे कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो चलो पीवी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, तो प्रेशर और ये वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बनाए, आई से या आई से या आई से, आई से अगर हमने आई से बनाया तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। तुमने मेरी मेहनत पर डस्टर फेर दिया, ये ऐसे ठीक है। तो अभी मैंने कहा ये अच्छा, अभी अभी ये तो ठीक है। अब मैंने दो ग्राफ बनाए, इनमें से कौन सा ज्यादा वॉल्यूम वाला है, नहीं नहीं दो ग्राफ है ना, एक है मान लो वी वन वॉल्यूम पर और एक है वी टू, तो कौन सा ज्यादा वॉल्यूम वाला है, वी टू वाला है। अरे है, ये बात समझते है ना। अच्छा फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, मैं एक बहुत नॉर्मल सामान्य बात हमेशा बताता हूँ, नॉर्मल सामान्य बात बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना, बहुत सामान्य बात है वो, लेकिन वो बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जगह वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ी है। समझ गए आप बात को, जब आपको लग जो सामान्य दिख रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि वो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर वो बात आपको बहुत सामान्य लगेगी। जैसे मैंने कहा ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, अब ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, इट इज आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम भैया। अब मैंने कहा देखो इस पे यहां पर एक पॉइंट ले लो ग्राफ के एक तरफ, या इस पूरे इस लाइन पर कहीं भी चलोगे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस ग्राफ, ये जो ग्राफ आपकी लाइन खींची थी, इसके इस तरफ जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर इसके इस तरफ जाओगे दूसरी तरफ, एक तरफ अगर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, घटेगा। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। इस लाइन के किसी भी तरफ दूसरी तरफ चलो, एक तरफ चलोगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये बात याद रखना। ये यहाँ पर बहुत सामान्य लग रही है बात, लेकिन कहीं पर मामला बद फंस जाएगा। नहीं समझे बात को, घबराना मत, थोड़ा सा ही बढ़ना, लेकिन ऐसे नहीं कि बढ़ते बढ़ते पता नहीं आसमान में पहुंच गए, थोड़ा सा थोड़ा सा खा सकते हैं जरा सा, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा अभी ये तो आपने बना दिया, चलो अब एक और बनाओ। अभी अभी हम डायग्राम खेलेंगे थोड़ी देर। चलो बताओ, ये मैंने बनाया पी और टी ग्राफ, अब मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस बनाना है, दिखाओ इसमें जरा आइसोकोरिक प्रोसेस दिखाओ। पक्का रतुड़ी जी, आपका क्या विचार है, P बाई टी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो P अपॉन टी की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है P इज इक्वल टू, इसको कॉन्स्टेंट को कुछ लिख ले हो यार, सी टी लिख ले हो,
तो पी को दिखाया वाई एक्सिस पर, सी कोई कॉन्स्टेंट है इसको एम मान लो, टी को दिखाया एक्स एक्सिस पर, तो वाई बराबर एम एक्स टाइप की इक्वेशन आएगी। ये तो कोई भी कर सकता है, वाई स्ट्रेट लाइन है, क्या बात है। तो मैंने कहा यार दो ग्राफ बना देता हूँ मैं, चलो ये एक तो ये है और एक ये है, ये है वी वन और ये है वी टू, कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम वाला, वी वन। ये मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, कैसे बताएं किस कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, वी वन या वी टू। है बेटा वी वन ज्यादा है इसमें या वी टू ज्यादा है, वी वन ज्यादा। कैसे पता लगाएंगे यार, कोई भी एक लाइन खींच लो, चाहे टेम्परेचर पर एक लाइन खींच लो चाहे प्रेशर पर, ध्यान से देखना जो आपको अच्छा लगता हो वो लाइन खींचो। बताओ कैसे, ऐसे में लाइन खींचे या ऐसे में, तुम जैसे बोलो ऐसे, ये बोल रहे ऐसे खींचो, ठीक है ऐसे खींच लिया। अब ये प्रेशर कहलाएगा P2 दूसरे वाले का, और ये वाला कहलाएगा P, ये P1, ये पहला है ना, इसका नाम दिया P2। बताओ P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है, पक्का। तो अभी आप लिखोगे P इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, टी की वैल्यू सेम है ना, तो T तो हो गया कांस्टेंट। अब आपने कहा देखो अगर P ज्यादा तो V कम, तो इसका P ज्यादा है तो V2 हो गया कम और V1 हो गया ज्यादा। नहीं समझ में आई बात, V2 इज लेस V1 इज मोर, दिख गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, डन। ये ऐसे में भी लाइन खींच के सोच के देखना, उसमें P कांस्टेंट हो जाएगा, T बढ़ेगा, तो इधर T ज्यादा आएगा तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा, इधर T कम आएगा तो वॉल्यूम कम आएगा, ना समझे, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है जी। अच्छा एक और गरीबी वाला ग्राफ बना दो, टीवी ग्राफ बन गया, अरे गजब। तो ऐसे बनेगा ग्राफ, बनेगा, या फिर ऐसे बना लो, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है V2 या V1 में, हम से दिख रहा है इसमें तो क्या है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कंप्रेशन, इसमें से कौन सा वाला कंप्रेशन है कौन सा वाला एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्रेशन क्या है, आपने पूछा हम बता तो देंगे, बाकी आप समझ लियो। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम है यार, तो कंप्रेशन क्या है यार, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन कहाँ से है, कई बात वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो कोई भी कंप्रेशन नहीं है कोई भी एक्सपेंशन नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, आपने इंडिकेटिंग डायग्राम बना लिए, बढ़िया बात है। ये अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, अच्छा लग रहा है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे चलो बनाओ आइसोकोरिक प्रोसेस दिखाओ इसमें, प्रोसेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तुड़ी जी थोड़ा कंफ्यूजन है, कितने मानो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, अरे उसका क्या करना हमको भाई, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कहेगा हम नहीं बदलेंगे तुम्हें, जो करना हो तुम अगर यहां हो तो अब तुम ना इधर जाना ना इधर जाना, अरे अगर तुम यहां पर हो तो तुम, उसने कहा कि यहां पर हो तो इधर उधर मत जाना नहीं तो वॉल्यूम बदल जाएगा, तो चलो सीधे फिर सिंपल तो है यार, वो पी वी तो टी है, पी वी तो वो टी है, समझ गए, घबराना नहीं, हाँ अरे वॉल्यूम दिखा रखा यार वो कांस्टेंट है, सीधा खींच दो यार लाइन, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ये भी बात हो गई। अब देखो मैंने कहा कि भाई साहब अब यहाँ तक आपने इंडिकेटिंग डायग्राम वगैरह बहुत सारे बना लिए, अब मैं आपसे बात करूँगा, जैसे मैंने कहा स्टेट वन है, यहाँ पर प्रेशर है पी वन, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी वन, ठीक है। ये एक दूसरे स्टेट पर पहुँचेगी गैस, प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम नहीं बदल सकता, टेम्परेचर बदल सकता है, तो पी वन वी विल रिमेन सेम,
टेम्परेचर इज T1, फाइनली यू आर रीचिंग टू अनदर स्टेट एंड ये P2, ये भी और T2। तो मैंने कहा भाई अब आपने कितने पॉइंट फाइंड कर लिए थे, और मैं वो पॉइंट देख लेता हूँ, एक तो ग्राफ बना लेता। अब मैं आपसे बात करूँगा, वर्क बताएं मुझे, तीसरा पॉइंट, वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस पक्का 0 बताएंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो तीसरी के बाद मैं चौथी बात आपसे पूछूंगा, डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखोगे आप आइसोकोरिक। एक बात याद रखना कि आइस दुनिया का कोई प्रोसेस हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, ये हो वो हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला विल रिमेन सेम एवरीवेयर, इट इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट। डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका फॉर्मूला तो हमेशा क्या रहेगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। इसका तो प्रोसेस ना बदलने वाला है, बदलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा करो, मुझे जरा क्यू की वैल्यू बता दो। पक्का ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस चल रहा है, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू 0 हो गया, और एक गजब, तो ये आ गया एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अच्छा क्यू बता दिया आपने, किसी प्रोसेस के लिए क्यों ये आया, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मैंने कहा एक काम करो, छठवीं चीज, मुझे इसकी अब वो बता दो, वो क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो, ठीक है, सीवी, सीवी कहलाते हैं इसको। सीवी क्यों यूज किया मैंने, वैसे तो जनरल टर्म तो सी कहलाएगा, लेकिन चूंकि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का है तो उसे मैं सीवी लिख लूंगा यार, ना लिखूं, लिख लो। तो मैंने कहा यार मैं फिर कैसे लिखूं, तो मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। जैसे होता था ना एम सी डेल्टा थीटा होता था ना, पहले कैलोरी मीटर में पढ़ा था अपन ने, कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा एम एस डेल्टा थीटा, एम यहाँ पर मास था, यहाँ पर मोल आ जाएंगे, एस स्पेसिफिक हीट को यहाँ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, परंपरा है इसलिए कर रहे हैं। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, वही फॉर्मूला है। तो जल्दी से बताओ जरा, अब इसमें चूंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है इसके लिए सी वी लिख दिया, तो सी वी की वैल्यू बताओ जरा कैसे आएगी, एफ बाई टू आर, एफ बाई टू आर। तो क्यू की वैल्यू क्या थी यार, क्यू की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, कितनी आई थी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी, हटो 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 हटो, तो सी वी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बाई टू आर, ये क्या आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों भी बता दिया आपने, अरे बता सकते हो, पक्की बात है। आपने एक दो चीजें और सुनी है क्या, सुनी तो क्या, सुनी सुनी से तो हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है आगे बढ़ाएं। अच्छा देखिए, एक टर्म होता है जो कि आप हो सकता है आगे भविष्य में पढ़ो, जिसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होता है ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है माइनस डी पी अपॉन डी वी इंटू वी, ये होता है भाई साहब। तो अभी मेरे पास नंबर कौन सा आ गया था, 5-6 हो गए थे, अब मैं 7वां नंबर आपसे पूछूंगा। इसी प्रोसेस, एक प्रोसेस चल रहा है सिंगल अभी, इसमें मैंने आपसे पूछा कि मुझे B की वैल्यू बताओ यार, का इनफाइनाइट का है, अच्छा ये वाला टर्म तो आप कहोगे 0 रहे, अरे जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो ये नीचे वाला टर्म तो टेंडिंग टू 0 हो गया, और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब इट विल टेंड टू इनफाइनाइट। एक टर्म और मैं आपको बता देता हूं चलते चलते, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं हम, एक टर्म होता है, क्या होता है वो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंप्रेसिबिलिटी होता है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ना हो पाएगा ये, पक्की बात है, 0 बेटा इसका उल्टा होता है ना, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0, इन्फिनिट का उल्टा 0। तो ये कौन सा प्रोसेस पढ़ लिए, आइसोकोरिक। अभी हमें कौन कौन से पढ़ने हैं,
आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक जो है जनरल प्रोसेस है। जनरल प्रोसेस एक हम ऐसा इसलिए बना लेते ताकि हम उसी फॉर्मूले को सब जगह यूज़ कर लें, ज़्यादातर जगहों पर, नॉट एवरीवेयर बट ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है जी, चलो।